oldies, brothers, my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में विद देसी हिना। तो देसी हिना आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई है उन सभी वुमेन के लिए जो न्यूली मदर बनी है, जो बच्चों का पालन पोषण कर रही है और जिनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई बच्चे जो है 6 मंथ के बाद बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे उन्हें सब न्यूट्रिशंस मिले। तो इन सभी बातों को हम जानेंगे डॉक्टर्स के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके आगे कुछ क्वेश्चंस रखती हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग के 3 डेज होते हैं, कहा जाता है कि वो जो बच्चे का माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब कईयों का क्वेश्चन ये भी होता है कि कोई मदर है जो HIV पॉजिटिव है, क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है अपने बच्चे को? आज हम इन बातों को भी जानेंगे और साथ ही साथ आज हम एक और बात को जानेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसके लिए डॉक्टर अनीता जी हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी, हमें काफ़ी अवेयर करेगी कि हमें अपना कैसा ध्यान रखना है। तो मदर अगर अपना अच्छे से ध्यान रखेगी तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखेगी। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है, तो बने रहिए इस व्लॉग के एंड तक। तो चलिए अब देर किस बात की, मिलते हैं वहाँ पर उन डॉक्टर्स से और बात करते हैं, इन सभी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं मन में उसके आंसर्स जानते हैं। मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हूँ। एंड आज मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी महिलाएँ अपने बारे में कितनी ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। एंड कुछ ऐसे कैंसर जो महिलाओं के कैंसर हैं जिससे हम उनको पूरी तरह से बचा सकते हैं अगर हम उनको पहले से ध्यान दें। तो एक कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत कॉमन है एंड एवरी 20 or 30 मदर्स के बीच में एक मदर को जो है या एक लेडी को जो है ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इतना ज़्यादा है। और इतनी सारी अवेयरनेस एंड इतनी सारी एडवांसमेंट होने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास लेट आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी इन बातों का ध्यान रखें। तो कैसे पहचानें कि ब्रेस्ट कैंसर आप कब है और कैसे है और जल्दी हम डॉक्टर के पास कैसे पहुँचें? तो 3 चीज़ें हैं। पहला है कि हम देखें कि हमारे ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं है, शीशे के सामने खड़े हों, उसका एक मेथड है। और वहाँ पे फिर हम देखें कि कोई हमारा कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है, कहीं से कोई लंप तो नहीं है, कोई स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, कहीं पे दबाव है, कहीं पे पोकिंग हो गई है ब्रेस्ट में, या फिर उसमें जो है किसी तरह का डिस्चार्ज है और या फिर लंप है। अब दूसरी चीज़ है कि हम उसको कैसे जानें कि कोई लंप है कि नहीं है? तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन हम कहते हैं और ये सिर्फ 10 मिनट का काम है और एवरी मंथ किसी भी महिलाओं को एवरी मंथ करना चाहिए, पीरियड्स ख़त्म होने के 2-3 दिन के बाद। और जिनको महिलाओं को नहीं हो रहे हैं पीरियड्स, वो कर सकते हैं जब किसी भी महीने का एक दिन ले लें, 1 तारीख 10 तारीख, और हर महीने उसी दिन वो अपनी जाँच कर सकती हैं। और ये जो काम है 20 ईयर्स के बाद हर महिलाओं को शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आपको अभी मॉडल से समझाऊंगी कि हमें उसको कैसे देखना है। तो अगर हमें अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फिंगर टिप्स को यूज़ करें। वी कांट पोक लाइक दिस, लेकिन हमें जो अपने ये फिंगर का सॉफ्ट पार्ट है वहाँ से जाँच करना है और इसको रोटेटिंग मूवमेंट से हम सारी तरफ ब्रेस्ट को चेक करेंगे। लेकिन देखिए, ये वाला फॉर्म है, मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसको रोटेट कर रही हूँ, ब्रेस्ट की दोनों तरफ जा रही हूँ, फिर मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ और इस तरह से मैं पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रही हूँ कि वहाँ कोई भी अगर मुझे लंप मिलता है, कोई भी गांठें मिलती हैं तो मुझे फौरन डॉक्टर को दिखाना है। और अगर मैं ये लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट कर रही हूँ तो मैं राइट हैंड यूज़ करूँगी, अगर मैं राइट साइड का ब्रेस्ट कर रही हूँ तो मैं लेफ़्ट हैंड यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मेरे को एग्ज़ामिन करना है। ये मैं जब नहा रही हूँ, पानी है, सॉफ्ट है, मेरा हाथ स्लिप कर सकता है इजीली, तब भी देख सकते हैं आप अपना नहाते टाइम, या फिर आप किसी भी टाइम महीने के, जैसे मैंने बताया कि महीने के ख़त्म होने के बाद इसको करना है, हर महीने करना है, और जैसे ही लंप महसूस हो फौरन डॉक्टर को दिखाने जाना है ताकि हम अर्ली में इसको डायग्नोसिस कर पाएँ और इससे बचे सकें। हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर पहले पहचान लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है? देखिए, डायग्नोसिस के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन किया, फिर डॉक्टर से दिखाया और उसके बाद मैमोग्राफी किया। तो मैमोग्राफी से भी हमें काफ़ी सारा, एवरी 2 ईयर्स अगर 50 ईयर्स से अबव मदर्स हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको कराते रहना चाहिए। और मैमोग्राफी के बाद हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड पर, और अल्ट्रासाउंड के बाद हम एक निडल से
जांच करते हैं कि वो कैंसर है कि नहीं। और बिल्कुल मत घबराइए, 80% गांठें जो हैं कैंसरस नहीं होती हैं, सिर्फ 20% ही है जो कैंसर कर सकते हैं। तो जब आपने दिखा लिया, उसके बाद इसके बहुत सारे इलाज हैं, इसके हम ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, हम उसको कीमोथेरेपी कर सकते हैं, हम उसको रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और हम उसका पूरी तरह से, अगर अर्ली है तो 90% जो कैंसर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर्स, वो ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं। तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, पैप स्मियर एक टेस्ट होता है, नीचे से पानी की जांच होती है, ली जाती है और वो हमें टेस्ट के लिए भेजते हैं कि उसमें कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है, किस तरह के सेल्स हैं, कोई नए तरह के सेल तो नहीं बन रहे। तो ये हमें कराते रहना चाहिए। और उसी के साथ उसी टेस्ट में एक HPV वायरस का भी टेस्ट है, वो थोड़ा महंगा है, बट अब अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें HPV इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये कराना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि 30 ईयर्स के बाद हमें दिखा लेना चाहिए, इसके लिए पैप स्मियर ज़रूर कराना चाहिए। तो एट 30 ईयर्स में करा लिया है, और उसके बाद एवरी 3 to 5 ईयर्स, जैसे कई लोग हैं जो हाई रिस्क है, मैंने बताया मल्टीपल पार्टनर्स हैं या स्मोकर्स हैं या उनको तो every 3 कराना है, और जो लोग नॉर्मल हैं उनको every 5 ईयर्स, बट 30 पे कराएं, 35 पे कराएं, फिर 40 पे कराएं, तो every 5 ईयर्स ये टेस्ट करा लेना चाहिए। और ये गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं, नीचे से टेस्ट लेके लैब में भेजते हैं, फिर लैब वाले अपना टेस्ट का रिपोर्ट देते हैं। ये एक वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से हमें बचा सकती है, बट इनका जो राइट टाइम है ना देने का, वो है ऑन टाइम इज एज 11 to 12, ठीक है, और अर्ली वाला है 9 to 10 ईयर्स। तो हम जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, हमारी डॉटर्स हैं, 9 से 10 साल में हम ये शुरू कर सकते हैं, और हमारा राइट टाइम है 11 से 12 साल, ठीक है। तो जिसके पास भी डॉटर्स हैं ये वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। और ये क्या है, 2 डोज ही ज़रूरत होती है, एक लगती है जैसे आज लगी तो दूसरी 6 महीने के बाद लगा सकते हैं, या साल भर के अंदर अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट भी 13 से 14 साल में भी 2 डोजेज ही देनी है। लेट क्या कहते हैं कि जो भी सेक्सुअली एक्टिव हो गया एक बार ही, है ना, उसमें चांसेस है कि ये वैक्सीन की प्रिवेंशन होगी। तो मान लीजिए यहाँ 100% बचाव हो रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है 70% हो, 80% हो। तो बड़ी उम्र में आके हम 3 डोजेज देते हैं, 15 से 26 ईयर्स तक देते हैं यूजली, तो 3 डोजेज देते हैं, और उससे भी हम काफ़ी, लेकिन कहा जाता है कि 9 साल से 45 साल तक की उम्र में हम इसको लगा सकते हैं, 45 ईयर्स तक। और लेकिन 26 साल के बाद जो एफिकेसी है उसका काम करने का, वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 50% तो बचे। तो ये है कि सबको लगवा लेना चाहिए फीमेल्स को, बट हमारी डॉटर्स को हमें 15 साल तक लगवा लेना चाहिए, ताकि ये बीमारी ना हो, मोर देन ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चा ना करें, अर्ली मैरिज ना करें, फैमिली हिस्ट्री है अगर हेरिडिटरी है तो बहुत केयरफुल रहें, अगर किसी को हुआ हुआ है तो, स्मोकिंग ना करें, और जैसे हॉर्मोन्स हैं उसका सेवन ज़्यादा ना करें, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बहुत 5 साल 10 साल खा लिए तो कोई और मेथड पे जाएं, प्रॉपर्टी लगाएं, मल्टीपल वो लगाएं, लेकिन ये जो है ज़्यादा पे ना जाएं। दूसरा, खाने का बहुत ध्यान रखें, उसमें क्या ध्यान है, ग्रेन्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं, और चीज़ें अपने खाने में कम खाएं, स्मोकिंग ना करें, सेफ सेक्स रखें, और पेरेंटहुड जो है जल्दी प्लान करें, बहुत लेट ना करें कि हम बहुत लेट बच्चा पैदा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें सबको बतानी है कि ऐसा रखें, और ये जानकारी रखें और सबको बताएं। तो अभी हम नेहा जी से बात करेंगे जो कि बताएंगे ब्रेस्ट फीड के बारे में प्रॉपरली। तो चलिए नेहा जी से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा खंडेलवाल और मैं एक लैक्टेशन काउंसलर हूँ। मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या फिर डिलीवरी के बाद जो भी मदर्स अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस देती हूँ कि कैसे वो अपने बच्चों को ढंग से दूध पिला सकते हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, अगर वो कोई ब्रेस्ट कंडीशन जैसे निपल्स में कट या सोर निपल्स, या फिर बच्चा अटैच करने में मुश्किल कर रहा है, या फिर माँ का दूध इनफ नहीं बन रहा, अगर उनको ऐसा लग रहा है, तो वो उनको मैं एडवाइस देने में हेल्प करती हूँ। पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों कहा जाता है कि माँ को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, खाली अपना ही दूध पिलाना चाहिए।
तो अगर जाने तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग में है, जो मदर्स मिल्क में है, वो है एंटीबॉडीज़ या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जो किसी भी और दूध में नहीं होते हैं, किसी भी डब्बे के दूध में नहीं होते हैं, किसी भी एनिमल मिल्क में नहीं होते हैं। जो एंटीबॉडीज़ या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो बच्चे को अगर मिले तो उसको बीमारियों से लड़ने में बहुत हिम्मत और शक्ति मिलती है, वो बीमारियों से दूर रहता है, और अगर उसको कोई बीमारी होती भी है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर हम दूसरा बेनिफिट देखें तो बच्चे का IQ बहुत अच्छा होता है जो भी मदर्स मिल्क पे होते हैं। अगर हम बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, उसको IAS IPS बनाना चाहते हैं, देन वी शुड श्योरली ब्रेस्ट फीड द बेबी। वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करता है, बेबी बहुत एक्टिव लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखेगा और बहुत जल्दी ग्रो होगा, इंस्टेड ऑफ़ द बेबीज़ जो फिर जो बॉटल फीड पे होते हैं या टॉप फीड पे होते हैं। जब हम देखते हैं कि एक मदर्स मिल्क को पिलाना कितना ईजी है और इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और अगर हमें दूध बनाना पड़े तो हमको पहले बॉटल स्टरलाइज करना पड़ेगा, कटोरी स्टरलाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद दूध को गर्म करके बनाना होगा, फिर ठंडा करना होगा, इतने में तो हमारा बेबी रोने लगेगा। और अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बस बेबी को लेना है और फीड कराना है, सो इट्स अ वेरी हैजल फ्री, कॉस्ट फ्री प्रोसेस और एक नेचुरल प्रोसेस है जो भगवान ने बनाया है, और वो उतना ही एफिशिएंट है जितना कोई और ब्रेस्ट बॉटल फेड बेबी को बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। तो मैम, ऐसे कई मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, बट उनके कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे हो सकता है किसी मदर को लगे कि मेरा इनफ मिल्क नहीं बन रहा, या कोई मदर टाइम नहीं दे पाती है, वो एक वर्किंग मदर है और वो उतना टाइम नहीं दे पाती हैं, या घर में रहने वाली मदर्स वो घर के काम में ज़्यादा लगी होती हैं जिससे वो टाइम नहीं दे पाती हैं। कोई कोई मदर्स को ब्रेस्ट कंडीशंस भी होती हैं, जैसे उनको बोल दिया जाता है कि आपके फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स हैं, आप मुश्किल से ही पिला पाओगे, या फिर मदर को अगर निपल में कट है, उनके सोर निपल्स हैं, तो उनको पिलाने में दिक्कत होती है, जो डिस्करेज करता है ब्रेस्ट फीडिंग को। लेकिन इन सब का सोल्यूशन है। अगर हम कहें कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो माँ में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। इन सब के लिए सोल्यूशंस हैं, और वो सोल्यूशंस लैक्टेशन काउंसलर्स के पास मिलते हैं, जैसे कि हम इसी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर हमें मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें, हम कहते हैं कि जितना आप बेबी को सक कराओगे, जितना बार दूध पिलाओगे, उतनी बार ज़्यादा मिल्क बनेगा। सो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड योर माइंड। जब बेबी सक करता है, इट गिव्स अ सिग्नल टू आवर ब्रेन कि बच्चा दूध मांग रहा है, और वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन और बनता है। एंड ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि माँ दूध प्रोड्यूस ना कर सके। तो मैम, मदर को ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका दूध आए, जिससे वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवा सके, ताकि टॉप फीड की ज़रूरत ना पड़े? तो हमारे पास मदर्स आते हैं जिनका ये कंसर्न होता है कि हम अपना मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाएँ, कैसे हमें ज़्यादा दूध आए ताकि हमें टॉप फीड ना देना पड़े। तो इन सब का जवाब है मोर सकिंग। अगर बच्चा ज़्यादा सक करेगा, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा। बहुत सारे फैमिलीज़ में बोला जाता है कि आप जीरे का पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए, आप वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सब करेंगे फिर भी आप सक नहीं करवाएंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे नहीं, तो मिल्क प्रोडक्शन बनेगा नहीं। तो बेसिक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार दूध पिलाना है बच्चे को, और उसी हिसाब से आपका मिल्क प्रोडक्शन। तो मैम, ये क्या पॉसिबल है जो HIV पॉजिटिव मदर्स होती हैं कि वो भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं? बहुत सारी HIV मदर्स हो सकती हैं जिनको ये कंसर्न हो सकता है कि अगर मैं अपने बच्चे को फीड कराऊंगी तो शायद उनको भी HIV इन्फेक्शन ना हो जाए। बट यस, इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि HIV मदर्स भी अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं, टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। सो इफ़ द मदर इज़ ऑन ART ट्रीटमेंट, तो उनके रिस्क इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे के बहुत ही कम हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट 1-2%, जो कि अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराएं तो बाकी जो बीमारियां जैसे डायरिया है या जॉन्डिस है, ये बच्चे को लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि एक ART मदर अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो उसके बच्चे के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू अ मदर जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है। सो इट इज़ पॉसिबल एंड वी कैन हेल्प दोज मदर्स इन ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबी। तो मैम, ज़्यादातर देखा जाता है जैसे मदर फीड तो दे रही है बट उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, तो घर वालों को कहना होता है कि मदर फीड इनफ नहीं है तो इसे टॉप फीड भी दें, तो मैम वो ठीक रहेगा देना? सो मदर्स के ये भी वरीज रहते हैं कि मेरा बच्चा कभी कभी बहुत रोता है, मैं पिलाती हूँ दूध उसके बाद भी रोता है, और घर वाले कहते हैं कि इसको टॉप फीड दे दीजिए, इसका पेट नहीं भर रहा है।
तो उन मदर्स के लिए, या फिर बच्चा बहुत पतला दिख रहा है इसको टॉफी दे दो, ये थोड़ा मोटा होगा, तो उन मदर्स के लिए सोल्यूशन यही है कि आपका दूध पूरा पड़ रहा है, बस आपको ये देखना है कि बच्चा अच्छे से अटैच कर रहा है, उसका पोजीशन सही है। अगर बच्चा अच्छे से अटैच कर रहा है ब्रेस्ट को, तो उसको दूध पूरा मिलेगा। बच्चे के रोने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कॉलिक हो सकता है, तो उसके भी तरीके होते हैं। बच्चों को टहलाना होता है थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत पतला दिख रहा है और घर वाले बोल रहे हैं कि आपके दूध से तो बच्चा मोटा हो नहीं रहा, टॉफी दे दो, तो मोटापा कोई पैमाना नहीं है बच्चे की फिटनेस देखने का। बच्चा तो मोटा फास्ट फूड खा के भी होता है, लेकिन वो फिट तो नहीं है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मैं अपना दूध पिलाती हूँ और बच्चा मेरे दूध से एकदम एक्टिव है, फिट है। सो व्हेन आई से कि अटैचमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तो कैसा अटैचमेंट होना चाहिए? तो अगर हम ये देखें कि एक ब्रेस्ट का मॉडल है, अगर ज़्यादातर अगर बच्चे को दूध सही नहीं मिल रहा है, तो बच्चा इस निप्पल पे पार्ट पे ही सक कर रहा होगा। अगर हमें बच्चे को प्रॉपर दूध देना है, तो ये पूरा ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, बच्चे को ये पूरा मुंह में लेना है और ब्रेस्ट को सक करना है। निप्पल खाली सक करने से बच्चे को भी पूरा मिल्क नहीं मिलेगा और माँ को भी कट होने के, स्वेलिंग होने के निप्पल्स में चांसेस होंगे। तो माँ को बस यही ध्यान देना है कि उसको पूरा ब्लैक पोर्शन अपने बच्चे के मुंह में पकड़ाना है। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आपका बच्चा प्रॉपरली सक कर पा रहा है। सो थैंक यू नेहा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है कि जितनी भी मदर्स या आपको सुन रही हैं, उनके लिए आपका जितने भी मैसेज दिए उनके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू नेहा जी। थैंक यू हिना। एंड मैं अपने मदर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखें, आज जो भी आपको अवेयरनेस मिला हो उसको आगे फैलाएं, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स, कंसल्टेशंस रिलेटेड क्वेरीज हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जो 2 मंथ्स की बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। सो लेट्स नो फ्रॉम हर कि कैसे वो करवा पा रही हैं और उनको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई और लैक्टेशन काउंसलिंग ने उनको कैसे हेल्प की। तो रजनी जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप कितना हार्ड है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना? बिल्कुल, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे बेबी 2 मंथ्स का है और लास्ट 1 मंथ से मैं उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से मैं उसे फीड करवा रही हूँ। मुझे नेहा जी ने बताया था, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। और उसके बाद से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बेबी अच्छे से फीड कर पा रहा है, और उन्होंने मुझे पोजीशन बताई किस तरीके से पोजीशन होनी चाहिए फीड करने की, और क्या बच्चे को मतलब किस तरीके से खिलाना बैठाना चाहिए, मतलब कि उसको किस तरीके से लेना चाहिए, ये सारा प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैं उससे मुझे बहुत अच्छा सा लगा, तब से मुझे मतलब अच्छे से प्रॉपर तरीके से फीडिंग करवा पा रही हूँ। क्या आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस है आपकी? हाँ, आप करवा पाओगे? मुझे कॉन्फिडेंट है अब मैं कि उसे अच्छे से करवा पाऊंगी। वेरी नाइस। तो आई थिंक हमारी न्यू मॉम बहुत इंकरेज्ड है, और ऐसी इंकरेजमेंट हमको सबको देना है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो लेट्स सपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सो वी हैव अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर विद अस, शिखा नाम है, और एंड शी इज अ मदर ऑफ 2 kids। तो वो कैसे करवा पा रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग, और उनको आज के सेशन, लैक्टेशन काउंसलिंग सेशन से और क्या हेल्प मिली, वो हम जानते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाया है अप टू 6 मंथ्स, एंड अभी भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट है। एंड ये सब हुआ विद प्रॉपर फैमिली सपोर्ट, वेल न्यूट्रिशन वाली डाइट, बैलेंस्ड डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, जो कि नहीं मिल पाती है बट फिर भी। एंड नेहा मैम से आज हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली रिगार्डिंग लैक्टेशन, एंड उससे फिर अभी मुझे और हेल्प मिलेगी। स्ट्रेस हो जाता है जब कभी कभी, जैसे सप्लाई लो हो गया या समथिंग, तो अभी हमारे पास मैम है लैक्टेशन कंसल्टेंसी के लिए। तो सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव बेबी वी सी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो वी हैव अनदर मदर, पूजा जी, एंड शी इज हैविंग एन 8-month-old डॉटर, एंड शी इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया है, अभी भी वो करवा रही हैं।
और खाने पे भी ले आई है ना. सो पूजा जी, वी वांट टू नो कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है और लैक्टेशन काउंसलिंग आपको कैसे हेल्प कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग. नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना उससे बच्चे में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना वो उससे बच्चे के अंदर बनी रहती है और मदर के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा जिम नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनका जो वेट है वो लूज़ होता रहता है. और सबसे अच्छी बात है कि बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, फिट रहता है और बीमारियों से बचा रहता है. और आज जो मैम का वो रहा हमारा सेशन इसका कंसल्टेंसी का, वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे पहले से नहीं पता थी वो आज पता चली है. जैसे कि पोजीशन कौन कौन सी होती है बच्चों को फीड कराने की, तो मुझे पहली बार ही पता चला कि इतनी सारी पोजीशंस होती हैं और पहले से नहीं मुझे पता था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी कंसर्न हो आप लैक्टेशन काउंसलर के पास, हमारे पास कभी भी आ सकते हैं. थैंक यू.